अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी ठीक है। हमारी दुआएं हमारे देखने वाले जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में हज़ारों खुशियां लाए। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो गर्मी की वजह से सारा दिन अंदर छुपे कर बैठे रहते हैं और जब असर का टाइम होता है तो वीडियो शुरू कर देते हैं, बाहर निकलते हैं। लेकिन इस वक्त भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी शहजाद लगा रहे हैं पौधों को पानी। हम पिछली अपनी वीडियो देख रहे थे शहजाद भाई वाले चैनल पर, जब हमने जहाँ पर खजियों वाले पौधे लगाए थे, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब क्या किया जाए, वो पौधे हमारे सारे के सारे ख़राब हो गए हैं। अब न्यू पौधे लगाते हैं लेकिन होते नहीं हैं, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमारे पौधे नहीं। मेरा वीडियो बनाने का दिल नहीं था। आज शहजाद कहता कि वीडियो नहीं बनाते, मैंने कहा नहीं बना लेते हैं वीडियो, व्यूज़ गिर रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, दिल ही नहीं करता ना वीडियो बनाने का ना कोई काम करने का। ये देखो बादल तो आए हुए हैं, लेकिन पहले हर रोज़ इस वक्त बारिश हो जाती थी, आंधी वगैरह आ जाती थी, लेकिन आज आंधी भी नहीं आई, थोड़ी बहुत हवा चल पड़ती थी तो मौसम कुछ अच्छा हो जाता था। अभी गाय का दूध निकाल लिया है, घास भी डाल दिया है गाय को, तो थोड़ा बहर का व्यू दिखाते हैं। तो ये देखें कौवे को, देखो वो बैठा है। अब गर्मी तो वैसे की वैसी है, हवा तो नहीं है, लेकिन कुछ मौसम चेंज हो गया है, दिन को तो बिल्कुल बाहर नहीं निकला जाता। आशीर्वाद सारे घर में पानी का छिड़काव कर देगा और रात को चूंटियां ही चूंटियां होंगी, चारपाई के ऊपर भी चूंटियां होंगी। और हमारे दुकान वाला पंखा खराब हो गया था, तो ये देखिए पंखा बनवा कर ले आए हैं, दुकान में लगवाएंगे। अब किरण पता नहीं क्या कर रही है, अम्मा क्या कहती बैठी है, गोलियां खाती बैठी है। अमीना जो हर वक्त ये गोलियां खाती रहती है, बरूफन पेनाडाल और दर्द वाली सारी गोलियां खाती रहती है। ये क्या है नानी? अम्मा तीन देर से किरण चाय बना रही होगी क्योंकि अभी अभी गाय का दूध निकाल रहा है ना, तो वो शहजाद के लिए चाय बना रही होगी। किरण क्या कर रही हो? मुझे पता था चाय बना रही होगी क्योंकि अभी अभी गाय का दूध निकाल रहा है, जब भी दूध है ना शहजाद कहता है कि फौरन पहले चाय बनाओ। अब क्या बनाना है, कोई सब्जी लेकर नहीं आया अभी? हाँ वो आटा दो दिन से वहाँ का दाने रख के आए तो आटा लेकर नहीं आए, तो आटा लेने जा रहे हैं, उनसे कहना कि सब्जी ले आए। मेरे ख्याल में भिंडिया बना लेते हैं। गुड़िया को देखते हैं, तो गुड़िया क्या कर रही है? गुड़िया मेरे ख्याल में कुरान शरीफ वाला आया हुआ है। गुड़िया क्या कर रही हो, किधर है, किधर बैठी है? ये देखो ये क्या कर रही हो, चावल खाए? अभी जना चावल बनाए थे गुड़िया की भाभी ने, तो गुड़िया मेरे ख्याल में भी चावल खाए हैं, भी अंदर बैठी क्योंकि अभी कुरान से पढ़ाने वाला आएगा, वो यहीं पर आते हैं। हाँ करने गए थे। हाँ। कौन कौन? तो पता नहीं मैं अच्छा। आज ड्यू परसों वाला खाब होने जाता था फिर, कभी याद नहीं आया। चलो ठीक है, अल्लाह तला उमरा कराए, अभी के बाद पुल के बाहर जाते हैं। इस साइड पे पानी नहीं लगाया, ये देखो ये खुश्क पड़े हैं सारे पौधे। शहजाद ने बाहर पानी ला, गेट खोलो। हाँ बढ़िया गेट कर रही है उस्ताद का। अरे बहरी पानी ला, बाल्टी ना भर के ले से, पैप छोटा है। हाँ पैप छोटा है, बाहर नहीं जाएगा। शहजाद उधर जो वो नींबू लगाया है ना वहाँ पानी लगाओ, मैंने कहा भी है कि वो वहाँ पर खेर बनाते थे, पानी खुद खुद चला जाता। गुड़िया को नाल करना, गुड़िया पानी लवा, तुरे दिए वदी। नींबू
चिट्टा सी गे भाई, गर्मी दी वजह कन चिट्टा सी गे। पहले छोटे छोटे दाढ़ी होती थी। अच्छा, मैंने तो देखी भी नहीं। आज कलीम शेव करा। क्यों? वैसे ये देखे सारे जख्म हो गए। हाँ, ये वो ना गर्मी की वजह से निकल आए। वैसे दाढ़ी रखवानी चाहिए, सुन्नत तरीका है दाढ़ी का। अब इंशाल्लाह दाढ़ी रखवाऊंगा। ऐसे कहते हो, थोड़ी थोड़ी रखवाते हो, फिर वो क्या कहते हो, वो नहीं कराते, फिर ख़त्म कर देते हो। गुड़िया, तेरे मेरे पैरों के पानी सट्टे, ठंडा ठंडा पानी है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। ठंडा ठंडा पानी पकड़े, मोबाइल पकड़े, मम्मू धोनी है ठंडे पानी। वो किरण ने चाय बना ली है, किरण ने चार पेज पे चाय रख दो। ठंडा ठंडा पानी है ये, सारे मुंह धो लो ठंडे पानी से। दीपू के ना नीचे के दिखा रहे ये पकड़े, ये पकड़े। ठंडा पानी है ना, ना नहीं का डंडा ऊपर के रखो, वैसे वो खुद ही रख दे। इधर मैं ले आता डॉकी का मीठा पानी, तो बर्फ की जरूरत नहीं थी। ठंडा पानी है, बर्फ से ज्यादा ठंड है, लोग पिया नहीं जाता है। कड़वा पानी होता है हमारे इलाके में, हर जगह कड़वा पानी है। तो अभी किरण गुड़िया के बाल बना रही है, काफी अरसे के बाद। काफी अच्छे के बाद पहले बनाए, एक हफ्ते पहले तो बनाए। हाँ, फिर वो एक हफ्ता भी काफी अच्छा हो गया है हमारे लिए। तो मेरे के पहले पहले फोन निकला। गुड़िया आज बहुत ज्यादा खुश थी कि किरण की अम्मी और फातिमा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगले हफ्ते आएंगे। हाँ, उन्होंने कहा भी अगले हफ्ते का है, हमने समझा कि शायद इसी हफ्ते आएंगे। उन्होंने कहा नहीं तो कहीं अगर मामू न गए तो फिर आ जाएंगे। हाँ, पहले हाँ कह रही थी, फिर उनके मामू मर ही गए इसलिए वो फिर नहीं आए। वो वापसी आ जाएंगे तो फिर उनको ले आएंगे। कह रहा गुलाब लेता, गुलाब का एक और फूल भी निकल आया आज। खूबसूरत कितना लग रहा है ये देख। क्या कह रहे हो? हम आपस में बातें कर रहे थे कि जब फातिमा आएगी ना तो ये कह रहे कि आए तो फातिमा को भी दे आएंगे यहाँ पर। ये देखिए गुड़िया पता नहीं किसका से कपड़े ले आई है, कौन दे गया है? गंडे की दे क्या दिए? ये दे पा के दे सही भी दे जा को ठीक है। किरण दे अभी से तैयार है, शुरू हो गए शादी के। तू सिलाई कराएगी देगी? देगा जो है ना, वक्त लगेगा इसमें भी बनवा कर रहा है। ये तो अधूरा है, ये तो वाइट है। शादी के लिए किरण ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी। अभी कितने पता नहीं, एक दो महीने शादी को दे रहे, पर उन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर दी। क्या जो छोटी सी कमीज है ये जरा भी इसी के ऊपर ना, जो क्या है शीशे वगैरह लगेंगे इसके ऊपर। अच्छा, साथ में ये जो और ये देख जा अधूरी है, ये मेरे ख्याल में लगेगी। हाँ, अभी लगेगी, देख लेंगी फिर बताएंगे। कितने बड़ी? बड़ी नहीं है, इतने खुले। ये ट्रोजर, ये क्या है? ट्रोजर नहीं, हाँ ट्रोजर है, प्लाजा है, प्लाजा। ट्रोजर नहीं कह रही थी, ट्रोजर तो और तरह थे, ये प्लाजा है। जो ये अधूरी है, अभी ये लगेगी इसके साथ जो है ना कमीज ऊपर से छोटी होगी। जाओ गुड़िया, और ये कमीज छोटी है तो इस पे शीशे लगेंगे। ये देखिए वाइट सूट, जहाँ से पहली बार जहाँ से और जहाँ तक शीशे लगेंगे, आप गला आगे पीछे बराबर है।
यहाँ पर भी शीशे लगे हुए हैं, यहाँ पर पीछे भी शीशे लगे हुए। कौन से कलर के शीशे हैं? वाइट नहीं है, आधी पे है। दुपट्टा उस कलर का लोगी? वैसे दुपट्टा वाइट भी पड़ा है, जो भी पहन लोगी। उसके साथ कपड़ा बचा हुआ भी है, वो गुड़िया का बनाएंगे। सही है, वैसे कमीज छोटी है देखे। ये तो गुड़िया को पूरी है। ये जब पहनूंगी ना शादी पर, फिर आप कहोगे कि ये इतना अच्छा लग रहा है। हाँ। किरण की ना काला की शादी है ना, ये ज्यादा वो है, खुश है, ये कहती है जल्दी की शादी है, पहले से किया रहती है शादी। कहते हैं अपनी शादी पे जो अरमान बच गया थे वो इस शादी पे पूरा कर रहे हैं। शादी पर तो ज्यादा तैयार नहीं हो सकता ना, ऐसे घूम फिर नहीं सकता बाहर, दुल्हन बन के बैठ कर। अजय देखो मेरा भी है साथ, मैंने इस तरह का वैसे सिलाई नहीं कराना। पूरा कहते हैं मेरे बराबर का सिलाई करा, मैंने कहा मैंने इस तरह का सिलाई नहीं कराना, सिंपल सिलाई। जब पहनेगी ना तब ये छोटी नहीं लगेगी आपको, ऐसे मुझे ना वीडियो में ऐसे छोटी लग रही है, लगेगी नहीं। ठीक है रखो इनको, वापस दे जाओ गुड़िया। गुड़िया जाओ वापस आए, भाई जल्दी जाओ, उनके रिश्तेदार हैं दरजानी जो है कपड़े जो सीती है। चलो सुबह तो उनका साथ ही घर है इधर, हम साथियों का उनके घर आए हैं तो कपड़े भी ले आए। पहले सोचती यहाँ पर शीशे लगाएंगे, लेकिन हमने कहा कि ये ना भारी हो जाएगा, शीशे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ना पीको करा लेंगे। हाँ नीचे से ये अब दोबारा ऐसे पीको करेगी। इसे जाकर उन्होंने पहले दिखाया है ना, चेक कर लें। आज बैठ रहेंगे, खाना नहीं बनाना? आज होटल से ले आता हूँ। अच्छा, जो शादी से पहले ले आता था कढ़ाई पर। आज से रात से कह दीजिए, आपसे आपकी शादी नहीं होती ना, जहाँ हमारे करीब होटल है तो वहाँ से खाना इतना ज़बरदस्त मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो हर रोज़ से रात वहाँ से ले आता था, अब मैंने से रात से कहती जब से शादी हुई आप एक दफ़ा भी वहाँ से खाना लेकर नहीं आए, आज वहीं से खाना ले आए, आज से रात जा रहे हैं वहीं से खाना लेकर आएगा। रोटियाँ तो बनानी पड़ेंगी, रोटियाँ भी ले आऊँ? नहीं नहीं रोटियाँ बनाएंगे हम तो, इतनी महंगी है, 30 रुपये की रोटी है। आप सस्ती होगी, सस्ती होगी, आटा इतना सस्ता है, मेरे ख्याल में लेते आओ चाचा फिर तो 15 रुपये 12 रुपये की आटा नहीं है आज हमारा, 12 या 15 रुपए की आती है। हाँ चलो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद है आज वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी चैनल पर, मिल दीजिए जब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।